हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू ड्यूअल्स फॉर अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। हॉन्डा एक्चुअली हाल ही में रिपोर्टर्स को अपना इंटरव्यू दिया है, जिसमें उनके बीच क्या बातें हुई और सज्जल कबीम का सीजन 2 खत्म हो गया है तो वो अब आगे क्या करेंगी, उन्हीं सभी बातों को आज इस वीडियो में कवर करेंगे और वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक शायरी के साथ। मोहब्बत जताने से कम नहीं होती, मोहब्बत जताने से कम नहीं होती, कम वक्त बस उसको समझने वाली सही होती। तो दोस्तों, हॉन्डा एक्चुअल एक मीटिंग अटेंड करके निकल ही रही थी और रिपोर्टर्स उनका बेताबी से बाहर इंतजार कर रहे थे। हॉन्डा जैसे ही बाहर निकलती है तो रिपोर्टर्स कहते हैं, कैसे हैं आप, एक और मीटिंग, ये रुकता ही नहीं है ना। हॉन्डे कहती हैं, हाँ हमारी मीटिंग थी, रोमांचक थी, आप कैसे हो, ऑल गुड। रिपोर्टर्स, यस वी आर फाइन। जैसा कि आप देख सकती हैं, हम इस गर्मी में कब से खड़े हैं। हॉन्डे, यस इट्स टू हॉट, बहुत गर्मी है। रिपोर्टर्स, हाल ही में कुछ न्यूज आई है कि आप करीम बुलशिन के साथ न्यू प्रोजेक्ट में काम करने वाली हैं, जो कि एक मूवी है। हॉन्डे, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ होगा तो हम आपको बताएंगे। रिपोर्टर्स, आपका ड्रामा बहुत लोकप्रिय हुआ है और हर किसी ने इसे पसंद किया है। अगर फिर से आपको एक साथ काम करने का ऑफर मिलता है तो आप उसे कंसीडर करेंगे। हॉन्डे, अगर हमें कोई ऑफर मिलता है तो हम उसके बारे में ज़रूर सोचेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई ऑफर नहीं मिला है तो कहने के लिए कुछ भी नहीं है। रिपोर्टर्स, क्या आपका कोई और प्लान है, जस्ट लाइक अ वैकेशन। हॉन्डे, यस आई एम गोइंग ऑन वैकेशन, आई मिस इट सो मच। इतने सालों के बाद मैं एक छुट्टी की प्लानिंग कर रही हूँ, लेकिन अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। रिपोर्टर्स, कल सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा मसल मैन की रैंकिंग की लिस्ट आई थी, मुझे पता नहीं है आपने उससे नोटिस किया भी है या नहीं, लेकिन मिस्टर करीम नंबर 1 की पोजीशन पे है। हॉन्डे, मैं नहीं जानती कि मैं क्या कहूँ। थैंक यू, शुक्रिया, आपका दिन अच्छा हो। रिपोर्टर्स, हमें आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हॉन्डा एक्चुअल के इंटरव्यू की कुछ दिलचस्प बातें। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और ये बातें भी। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने भाई के ही चैनल एडिवर्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लाते हैं यहाँ पे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज। तब तक के लिए शेयर बातें।